हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण कुमार रुक्मिणी प्रकाशन की ओर से DRDO टेस्ट सीरीज गाइड के साथ DRDO के मल्टीटास्किंग स्टाफ रिक्रूटमेंट के लिए जो वैकेंसी निकली है उसका क्वेश्चन गाइड रुक्मिणी प्रकाशन की ओर से आया है और DRDO टेस्ट सीरीज गाइड के सेट दो के जीके क्वेश्चन को, जीके टॉपिक के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जीके का क्वेश्चन सामान्य जानकारी करके टाइटल दिया गया है आपके टेस्ट सीरीज के इस गाइड में, और टेस्ट सीरीज सेकंड यानी सेट सेकंड के सामान्य जानकारी के क्वेश्चंस को डिस्कस करना है और वो क्वेश्चन सेट टू में 36 नंबर क्वेश्चन से शुरू हो रहा है। तो 36 नंबर क्वेश्चन स्टीफन विलियम हॉकिंस के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम निम्न में से कौन है? स्टीफन विलियम हॉकिंस के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम निम्न में से कौन है? विलियम हॉकिंस की अनेक किताबें हैं और उनमें से यहाँ जो है हमारा अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, डार्क आवर, प्रेसिडेंशियल मेडल, ब्लैक होल थ्योरी। तो अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम ये स्टीफन विलियम हॉकिंस की पुस्तक है। स्टीफन विलियम हॉकिंस की पुस्तक जो दिया गया है उसमें से है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। विलियम हॉकिंस फिजिसिस्ट हैं, भौतिक शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान थे और जिनकी मृत्यु 2018 में हो गई। वो काफ़ी दिनों से अस्वस्थ भी थे और काफ़ी पैरालाइज्ड थे। यूके के थे, फिजिसिस्ट थे और उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी और ख़ास करके खगोल विद्या पर, एस्ट्रोफिजिक्स पर और फिजिक्स के अन्य क्षेत्रों में उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। तो स्टीफन विलियम हॉकिंस की पुस्तक जो है इसमें से चार जो दिया गया है उसमें कौन है? तो अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। इसके अलावा भी उनकी पुस्तक है द ब्रीफ आंसर ऑफ बिग क्वेश्चंस, द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, ये सब इनका कुछ इनके बुक्स रहे हुए हैं। द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, द ब्रीफ आंसर ऑफ बिग क्वेश्चंस, फिर एक बुक इसमें दिया हुआ है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स। तो फिजिसिस्ट यूके के और जिनकी मृत्यु 2018 मार्च 2018 में हुई। तो स्टीफन विलियम हॉकिंस, स्टीफन विलियम हॉकिंस की पुस्तक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यानी 36 का आंसर ए हो गया। 36 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2019 विंबलडन महिला एकल खिताब किसने जीता? 2019 का विंबलडन महिला एकल सिंगल खिताब किसने जीता? तो ये सिमोना हालेप और ये सेरेना विलियम्स को हराई। सिमोना हालेप ने 2019 के सिंगल विंबलडन में सेरेना विलियम को हरा करके खिताब जीती, सिमोना हालेप। और सिमोना हालेप रोम की है और उन्होंने 2019 महिला सिंगल विंबलडन में सेरेना विलियम को हराकर अपने नाम ये खिताब की। तो ये कहाँ से सिमोना हालेप? तो ये भी है रोम की, इटली की। तो ये 37 का आंसर सी होगा, सिमोना हालेप। और इन्होंने सेरेना विलियम्स को पराजित कर 2019 का महिला विंबलडन खिताब जीता। तो 37 का आंसर सी सिमोना हालेप। अब 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सा युग्म सही नहीं है? मिस्र काहिरा, केन्या नैरोबी, सूडान खार्तूम, दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग। देखिए ये तीन में देखने को मिल रहा है कि सब के सब क्या है, देश और राजधानी।
और दक्षिण अफ्रीका जोहान्सवर्स तो दक्षिण अफ्रीका में है लेकिन राजधानी प्रिटोरिया, इसलिए डी जो होगा इसका आंसर होगा, या निम्नांकित में कौन सा युग्म में सही नहीं है, डी 38 का हो जाएगा डी। और 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द गाइड उपन्यास के लेखक कौन है, द गाइड के लेखक कौन है, तो पहले आंसर होगा आर के नारायण, गाइड द गाइड उपन्यास के राइटर हैं आर के नारायण। और आर के नारायण की अन्य भी पुस्तक है, द गाइड तो है ही, मालगुड़ी डेज है, द डार्क रूम है, ये खास करके ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मालगुड़ी डेज और द डार्क रूम ये आर के नारायण की पुस्तक है, और दी गाइड भी आर के नारायण की पुस्तक है, दी गाइड, मालगुड़ी डेज, द डार्क रूम, ये खास करके इससे क्वेश्चन पूछता है। तो द गाइड उपन्यास के लेखक कौन है, आर के नारायण, तो 39 का आंसर सी, 39 का आंसर सी आर के नारायण। और 40 नंबर क्वेश्चन, हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है, तो इस तरह के डैम बांध जो होगा और नदी ये याद करना होता है, हीराकुंड बांध किस नदी पर है, तो महानदी पर, हीराकुंड बांध महानदी पर, हीराकुंड बांध कहाँ है, महानदी पर। और महानदी का उद्गम अगर कहें तो छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़, और महानदी जाके अंत में बंगाल की खाड़ी में गिरेगी, गिरती है, तो महान हीराकुंड बांध कहाँ पर, तो महानदी पर, और महानदी का उद्गम, महानदी की शुरुआत तो छत्तीसगढ़ से, और महानदी कहाँ पर जाके गिरेगी, तो बंगाल की खाड़ी में, तो हीराकुंड बांध किस नदी पर है, महानदी पर, तो 40 का आंसर डी, 40 का आंसर डी महानदी। और भी नदी दिया हुआ है इसमें, बराकर, ये बंगाल का दामोदर, झारखंड और उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी में दामोदर, हुगली, ये बंगाल, तो हीराकुंड बांध किस नदी पर है, तो महानदी पर, हीराकुंड बांध कहाँ पर है, किस नदी पर है, महानदी पर। और 41 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर होती है, ज़्यादा एरिया में भारत में किस फसल की खेती ज़्यादा होती है, तो इसके डेटा के अनुसार धान, धान की खेती भारत के अधिकांश क्षेत्र पर, ज़्यादा क्षेत्रफल पर धान की खेती, तो 41 का बी, 40 का डी, 41 का बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 42 नंबर, दिनार किस देश की मुद्रा है, तो दिनार ये देश और मुद्रा, देश राजधानी, देश मुद्रा, ये याद करना होता है, तो दिनार किस देश की मुद्रा है, इराक की, और ऑप्शन है चीन, ईरान, इंडोनेशिया, तो चीन का आप जानते हैं युआन हो गया, ईरान का रियाल हो गया, इंडोनेशिया का रुपया हो गया, रुपया, रुपया, तो इंडोनेशिया का रुपया, रुपया, रिया, ईरान का रियाल, चीन का युआन, और इराक का जो है वो दिनार, तो दिनार किस देश की मुद्रा है, इराक की, तो 42 का आंसर सी, 42 का आंसर सी होता है। और 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मालगुड़ी डेज के रचनाकार कौन है, फिर वही आ गया जो हम लोग दी गाइड के रचनाकार की बात कर रहे थे, द गाइड के उपन्यासकार कौन है, तो आर के नारायण, और आर के नारायण की दो पुस्तक और बताया गया था, मालगुड़ी डेज और द डार्क रूम, वही मालगुड़ी डेज पर फिर क्वेश्चन है, मालगुड़ी डेज के रचनाकार, रचनाकार कौन है, आर के नारायण, और आर के नारायण इंडियन राइटर, आर के नारायण का जन्म 1906 में हुआ था, और आर के नारायण की मृत्यु 1906 में इनका जन्म था, और 2001 में आर के नारायण की मृत्यु हो गई, तो आर के नारायण इंडियन बॉर्न राइटर थे, और उनकी पुस्तक अभी हम लोग बात किए, मालगुड़ी डेज, द डार्क रूम और दी गाइड, आर के नारायण। इसके बाद है क्वेश्चन 43 का आंसर बी, 43 का आंसर बी हो गया। और फिर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44, निम्नांकित में कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है, वैसी कंपनी पब्लिक सेक्टर की, वैसी कंपनी जो बहुत अच्छे स्थिति में हो, फाइनेंशियल स्थिति उसका अच्छा हो, अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रहा हो, तो उसको महारत्न कहते हैं, उससे कम को नवरत्न कहते हैं, फिर महा, और ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर रहा हो, ज़्यादा उसका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा हो, तो महारत्न कहते हैं। तो इसमें है निम्नांकित में कौन सी कंपनी महारत्न नहीं है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया
लिमिटेड यानी सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, वो एक अथॉरिटी है जिसके अंतर्गत जो भी पब्लिक सेक्टर के स्टील प्लांट्स हैं उसको वो रेगुलेट करने वाली अथॉरिटी है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो वो खास करके पब्लिक सेक्टर के जो स्टील प्लांट्स हैं उनको वो रेगुलेट करती है। तो ये तो महारत्न में आता है सेल, जैसे सेल का प्लांट हो गया, बोकारो में हो गया, भिलाई में हो गया, राउरकेला में हो गया, दुर्गापुर में हो गया, ये सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सार्वजनिक क्षेत्र के स्टील प्लांट्स हैं। तो उसको रेगुलेट करने के लिए एक अथॉरिटी है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो वो महारत्न में आता है। फिर पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड एक कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और एक है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड NTPC, और एक है कोल इंडिया लिमिटेड तो ये सब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड महारत्न है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड महारत्न है, कोल इंडिया लिमिटेड भी महारत्न है जो कोल माइनिंग के क्षेत्र में काम करेगी, और एक है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड ये कंपनी बनाई गई है, ये फाइनेंशियल कंपनी है, ये कंपनी बनाई गई है कि पावर के क्षेत्र में यानी ऊर्जा के क्षेत्र में इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन के क्षेत्र में कोई कंपनी अगर काम कर रही हो और उसको फाइनेंस की ज़रूरत हो तो ये फाइनेंस करने वाली कंपनी होगी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो उसको वित्तीय सहायता देने के लिए, उसके फाइनेंशियल सपोर्ट को देखने के लिए पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, यानी ये स्पेशल टाइप का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो किसी खास क्षेत्र में प्रगति को बढ़ाने के लिए फाइनेंस करने वाली, लेकिन ये किसके सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, लेकिन ये महारत्न में नहीं है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रूप में है जो पावर के क्षेत्र में यानी इलेक्ट्रिक उत्पादन के क्षेत्र में, इलेक्ट्रिसिटी के उत्पादन के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था को फाइनेंशियल सपोर्ट करेगी, वित्त या ऋण उपलब्ध कराएगी, इसके लिए वो गठित किया। लेकिन ये महारत्न नहीं है, इसकी स्थापना 1986 में हुई है, इसकी स्थापना 1986 में हुई है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की, और ये महारत्न के कैटेगरी में नहीं है। तो 44 का आंसर बी हो गया, 44 का आंसर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 45, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नांकित में किस नाम से जाना जाता है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र, तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र आप कहाँ, तो बे ऑफ बंगाल में बनेगा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र। गंगा का जब यहाँ आता है तो बांग्लादेश के पहले गंगा दो वितरिकाओं में बढ़ जाती है, एक जा करके यहाँ पर भागीरथी फिर यह नाम होता है, और एक आपका हुगली नाम हो जाएगा, और फिर ये भागीरथी जो फिर बांग्लादेश में प्रवेश करेगी, और फिर बांग्लादेश असम से आकर के ब्रह्मपुत्रा मिलता है, और ये फाइनली ये दोनों कहाँ पर, तो बे ऑफ बंगाल में ये समाहित होंगे। और इनके डिपोजिशन से अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र के डिपोजिशन से जो डेल्टाई क्षेत्र बना है, जो डेल्टा बना है, उसको सुंदरवन डेल्टा कहते हैं, सुंदरवन डेल्टा कहते हैं, वहाँ सुंदरी एक वृक्ष है उसके नाम पर, ये सुंदरवन डेल्टा है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा, तो यहाँ पर क्या है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन, तो सुंदरवन, सुंदरवन डेल्टा हुआ और उसमें जो वन हुआ उसको सुंदरवन कहते हैं, सुंदरवन, तो सुंदरवन भी दिया हुआ। ये मैंग्रोव है यानी तट के पास, तट के पास जो फॉरेस्ट मिलते हैं, कोस्टल जो फॉरेस्ट होते हैं उसको मैंग्रोव फॉरेस्ट कहते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट कहते हैं, तो ये मैंग्रोव फॉरेस्ट है सुंदरवन। तो और सुंदरवन डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा है, और ये इसमें सुंदरवन डेल्टा में जो फॉरेस्ट है, जो मैंग्रोव फॉरेस्ट यहाँ पर मिलेगा उसको सुंदरवन कहते हैं, सुंदरवन कहते हैं। और ये सुंदरवन डेल्टा या सुंदरवन नाम वहाँ के एक वृक्ष पर है जिसको सुंदरी वृक्ष नाम है, सुंदरी वृक्ष के नाम पर इस डेल्टा को सुंदरवन, और इसके इसमें पाए जाने वाले वन यानी फॉरेस्ट को सुंदरवन कहते हैं। तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नांकित में किस नाम से जाना जाता है? सुंदरवन। यहाँ मैं बता रहा था थोड़ा कि कैसे गंगा, और गंगा का फिर बटना बांग्लादेश में प्रवेश के पहले गंगा का दो बटना, एक हुगली हो जाना, एक फिर भागीरथी के रूप में अंदर जाना, फिर
फिर वहाँ पर ब्रह्मपुत्र आता है, फिर यहाँ गंगा का नाम बांग्लादेश में बदल जाएगा, ब्रह्मपुत्र का भी नाम बदलेगा, और फिर ये दोनों मिल करके आते हैं और फिर फाइनली ये बंगाल, बे ऑफ बंगाल में गिरेंगे। तो वहाँ पर जो इनका नाम बदलता है वो सब थोड़ा एक देखिएगा, या फिर अगले क्वेश्चन में कभी मिलेगा तो हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो गंगा ब्रह्मपुत्रा का बांग्लादेश में नाम क्या होता है, कैसे मिलता है, ये बात की चर्चा वो वहाँ से भी क्वेश्चन रहता है, और फिर कभी मिलता है तो हम उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ क्वेश्चन है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्न में से किस नाम से जाना जाता है, तो सुंदर वन नाम से। तो 45 का आंसर हो गया डी, और 46 नंबर क्वेश्चन है, कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया किस राज्य सरकार ने, कालिदास सम्मान पुरस्कार या कालिदास पुरस्कार किसके द्वारा शुरू किया गया, किस सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया, यानी किस सरकार, यानी किस राज्य सरकार के द्वारा कालिदास सम्मान पुरस्कार। तो कालिदास सम्मान पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया, कालिदास सम्मान पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया, और ये जो पुरस्कार है ये 1980 से शुरू किया गया, और ये पुरस्कार खास करके शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य और नाट्य क्षेत्र में, शास्त्रीय नृत्य शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय नाट्य क्षेत्र या रंगमंच में विशेष उपलब्धि धारण करने वाले को दिया जाता है। तो संगीत नृत्य और रंगमंच के क्षेत्र में उपलब्धि धारण करने वाले को मध्य प्रदेश सरकार कालिदास सम्मान पुरस्कार देती है। तो कालिदास सम्मान पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, किस राज्य के द्वारा दिया जाता है, या किस राज्य के द्वारा ये शुरू किया गया, तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, और कब शुरू किया गया, तो 1980 में। और ये सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है वो मैं बात कर रहा था, शास्त्रीय संगीत नृत्य और रंगमंच के क्षेत्र में उपलब्धि धारण करने वाले को ये दिया जाता है कालिदास सम्मान। अब कालिदास के नाम पर, क्योंकि कालिदास बहुत बड़े हमारे बड़े नाटक लिखने वाले हो गए, रचनाकार हो गए, कालिदास गुप्त काल के हैं, कालिदास गुप्त काल के, और कालिदास की अनेक कृतियां हैं, अनेक उनके साहित्य हैं, जब मेघदूतम हो गया, रघुवंशम हो गया, अभिज्ञान शकुंतलम हो गया, तो कालिदास की बहुत सी पुस्तकें हैं। कालिदास किस काल के, ये भी क्वेश्चन आप लोग से सामान्य रूप से जीएस में पूछता है, कालिदास किस काल के साहित्यकार, तो कालिदास गुप्त काल के, और कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में थे, तो यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में थे कालिदास। तो कालिदास किस काल के, गुप्त काल के। लेकिन यह क्वेश्चन है, कालिदास सम्मान पुरस्कार किस सरकार द्वारा दिया जाता है, तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। तो 46 का आंसर सी होता है। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पंचतंत्र के रचनाकार कौन है, तो विष्णु शर्मा, पंचतंत्र के रचनाकार विष्णु शर्मा, और पंचतंत्र का भी बहुत भाषाओं में अनुवाद हुआ है इनकी इस रचना का, और पंचतंत्र के रचनाकार विष्णु शर्मा है। और फिर एक चीज़ और भी जान लीजिए, पंचतंत्र की रचना भी गुप्त काल में हुई है, पंचतंत्र की रचना भी गुप्त काल में हुई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी 47 का आंसर हो गया विष्णु शर्मा, और विष्णु शर्मा ऑप्शन बी पर दिया हुआ है। अब 48 नंबर क्वेश्चन है, वर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ, ऑप्शन है 1932, 1939, 1935, 1942। तो वर्मा ब्रिटिश भारत से 1935 के भारत शासन अधिनियम से वर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग करने की घोषणा की गई। 1935 का भारत शासन अधिनियम, ब्रिटिश काल में जितने भी हमारे अधिनियम हमें मिले उनमें सबसे विस्तृत और सबसे महत्वपूर्ण शासन अधिनियम हुआ 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 के भारत शासन अधिनियम से बहुत बातें दी गई, या शासन में काफ़ी कुछ परिवर्तन हो रहा है, काफ़ी बदलाव लाया गया, और ये काफ़ी ही महत्वपूर्ण अधिनियम भारत के शासन व्यवस्था के लिए हुआ, और भारतीय संविधान के स्रोतों में सबसे बड़ा स्रोत के रूप में भी देखा जाता है, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम को। यानी ये क्वेश्चन भी जीएस में बहुत बार पूछा है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा सोर्स क्या है, सबसे अधिक बातें हम कहाँ से लिए हैं, या कहाँ से मतलब कि लिए हैं का मतलब कि उससे प्रभावित होकर रखे हैं,
तो वो 1935 का भारत शासन अधिनियम, और 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही ये भी घोषणा किया गया कि ब्रिटिश भारत से वर्मा को अलग किया जाएगा, यानी वर्मा पर भी शासन ब्रिटिश शासन के तहत ही किया जाता था, ब्रिटिश भारत पर अंग्रेजों का शासन था और एक इंटीग्रेट करके वर्मा पर भी शासन होता था। अब उसको 1935 से उसको अलग करने की घोषणा की गई, और ये घोषणा एक तरह से एग्जीक्यूट हुआ 37 में, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन है उसके हिसाब से वर्मा को भारत से अलग करने की घोषणा कब या किस अधिनियम से, तो 1935 के अधिनियम से। तो यहाँ पर जो गिवन ऑप्शंस है उसके हिसाब से ये सी होगा, तो 48 का आंसर सी। फिर 49 नंबर क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो ये तो फैक्ट है 1916 में, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में, और पटना में विश्वविद्यालय 1917 में, तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब, 1916 में। अब यहाँ पर आप सिर्फ यही याद करने से नहीं, आप याद कर लीजिएगा वर्तमान में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है, सबसे पहले किस उच्च न्यायालय की स्थापना हुई, हाल फिलहाल में यानी कुछ समय पहले रिसेंटली जो तीन उच्च न्यायालय नॉर्थ ईस्ट में स्थापित हुए वो कौन कौन है। तो उच्च न्यायालयों पर आप एक सर्च कीजिएगा कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, और रिसेंटली सबसे कौन उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई है, और सबसे पहले किस उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। तो ये यहाँ से बनता है, यहाँ हमारा क्वेश्चन क्या है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब, तो 1916 में। नेक्स्ट है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, फाउंडर ऑफ सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, तो इस संस्था के फाउंडर गोपाल कृष्ण गोखले, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे, और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा 1905 ईस्वी में की गई थी। गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के फाउंडर लीडर्स में से एक लीडर थे, यानी आरंभिक चरण के नेताओं में से एक नेता थे, और गोपाल कृष्ण गोखले का 1866 में इनका जन्म है और 1915 में इनकी मृत्यु, गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु 1915 में, गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु 1915 में, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई की गई, और गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु कहा है, और गोपाल कृष्ण गोखले ने ही गांधी जी को दक्षिण भारत से भारत आने के लिए कहा या भारत बुलाया और भारत की राजनीति में शामिल होने के लिए उनको कहा, तो या फिर कहा जाता है कि किनके बुलाने से गांधी जी भारत के राजनीति में आए, तो गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु कहते हैं, जबकि गोपाल कृष्ण गोखले एमजे रनाडे को अपना राजनीतिक गुरु कहते हैं। यानी ये भी क्वेश्चन आता है कि गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन, एमजे रनाडे और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये क्वेश्चन एक दो बार रिपीट किया है, पहले पूछते ज़्यादा पूछा था कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु तो गोपाल कृष्ण गोखले, एक दो बार इधर ये पूछ दिया है गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु या गोपाल कृष्ण गोखले ने किन्हें अपना राजनीतिक गुरु कहा है, तो एम जी रनाडे को। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 50 का आंसर हम लोग का हो गया ए, गोपाल कृष्ण गोखले। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51 जो हम लोग का है, 51 जो क्वेश्चन है, किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना, सिक्किम यानी सिक्किम भारत संघ में नहीं था, सिक्किम भारत संघ का राज 22वें राज्य के रूप में बना, मैंने उस समय तक 21 राज्य हो चुके थे और ये जब शामिल हुआ 22वां राज्य। चलो तो ये भी क्वेश्चन होता है कि सिक्किम भारत संघ का कौन सा राज्य हुआ, तो 22वां राज्य, सिक्किम भारत संघ का 22वां राज्य हुआ किस वर्ष, यही हम लोग का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन हो गया 1975, यानी 1975 में सिक्किम भारत के 22वें राज्य के रूप में स्थापित हुआ। इसके पहले सिक्किम को 1974 में भारत संघ में शामिल किया गया था,
35वां संविधान संशोधन, 35वां, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, 35वां संविधान संशोधन। ये बहुत बार पहले क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, 35वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन। और ये 35वां संविधान संशोधन है 1974 का, 35वां संविधान संशोधन 1974 का। और इस संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत संघ में शामिल किया गया, भारत संघ में शामिल किया गया। और एक चीज और क्या बात है कि ये भारत संघ में शामिल हुआ उस समय इसको सह राज्य का दर्जा दिया गया था, सह राज्य के रूप में, सह राज्य के रूप में। ये हमारे पास अभी कोई स्टेटस नहीं है सह राज्य, या तो राज्य या नहीं तो यूनियन टेरिटोरी, केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन इसको सह राज्य के रूप में जोड़ा गया था, को स्टेट के रूप में, सह राज्य के रूप में भारत संघ में इसको शामिल किया गया 35वां संविधान संशोधन 1974 द्वारा। और चूंकि सह राज्य एक स्पेशल चीज था, इसलिए इस समय आप एक चीज पर ध्यान दीजिएगा, ये बहुत जरूरी है, यहां पर दसवीं अनुसूची यानी शेड्यूल, दसवीं अनुसूची जोड़ा गया। अगर क्वेश्चन इधर कभी भी पूछा नहीं है, लंबे समय से हमने देखा है कभी ये क्वेश्चन पूछा नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन बनता है कि दसवीं अनुसूची पहली बार भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया था। देखो जब पूछ देता है ना तो लोग फिर उस बात को याद करना शुरू करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि दसवीं अनुसूची 10th शेड्यूल भारतीय संविधान में पहली बार कब जुड़ा। क्योंकि आप जानते हो दसवीं अनुसूची, आप याद करते हो दसवीं अनुसूची कब जुड़ा, तो 52वां संविधान संशोधन 1985 से दल बदल विरोधी अधिनियम के लिए, ये दसवीं अनुसूची, या दसवीं अनुसूची में क्या है, दल बदल विरोधी अधिनियम है, एकदम सही है, अभी वर्तमान के दसवीं अनुसूची में वही है, लेकिन दसवीं अनुसूची 1974 में 35वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया। और किसके लिए, सिक्किम के लिए, सिक्किम को सहराज्य का दर्जा दे करके भारत संघ में शामिल करने के लिए दसवीं अनुसूची जोड़ा गया। और फिर अगले वर्ष 36वां संविधान संशोधन, 36वां संविधान संशोधन, और ये 1975, और इससे क्या हुआ कि सिक्किम को इस संविधान संशोधन से सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, फुल स्टेट का स्टेटस दे दिया गया, पूर्ण राज्य का दर्जा, पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। और जो दसवीं अनुसूची जोड़ा गया था, क्योंकि वो राज्य का दर्जा उसमें नहीं था, सह राज्य था, अब सह राज्य नहीं, वो एक स्टेट के रूप में हो गया, तो स्टेट और यूनियन टेरिटोरी हमारे किस शेड्यूल में है, शेड्यूल वन में, तो इसको तो जगह शेड्यूल वन में मिल गया, तब दसवीं अनुसूची का कोई जरूरत नहीं रहा और दसवीं अनुसूची समाप्त किया गया। दसवीं अनुसूची अनुसूची समाप्त किया गया। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा 35वां संविधान संशोधन और 36वां संविधान संशोधन, फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ क्योंकि बाकी तो इन्फॉर्मेशन है वो कुछ नहीं, कहीं कहीं अगर मिले तो वो सब देख लीजिए। 35वां संविधान संशोधन वर्ष 1974 द्वारा सिक्किम को भारत संघ में सह राज्य के रूप में जोड़ा गया और उसके लिए दसवीं अनुसूची स्थापित की गई। अगले वर्ष यानी 1975 में 36वां संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और दसवीं अनुसूची यानी 10th शेड्यूल समाप्त किया गया। और फिर एक इंफॉर्मेशन कि फिर 10th शेड्यूल कब जुड़ा, तो 52वां संविधान संशोधन 1985, और किस बात के लिए, दल बदल विरोधी अधिनियम, एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल विरोधी अधिनियम के लिए। तो दल बदल विरोधी अधिनियम कहाँ, किस अनुसूची में है, तो दसवीं अनुसूची में, तो ये 1985 में। अब आप देखिएगा 1974 और 1975, 1974 में दसवीं अनुसूची जुड़ा था, 1975 में फिर समाप्त हो गया, फिर दसवीं अनुसूची
टेंथ शेड्यूल कब जुड़ा? 1985 में। तो पहली बार दसवीं अनुसूची जुड़ा 35वां संविधान संशोधन से, और दसवीं अनुसूची समाप्त हुआ 36वां संविधान संशोधन से, और फिर दसवीं अनुसूची फिर से जुड़ा 52वां संविधान संशोधन वर्ष 1985। ये फैक्ट आप याद कीजिएगा। अगर क्वेश्चन कहीं ये फ्रेम किया जाए कि दसवीं अनुसूची कब समाप्त किया गया, तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कि अब आप जो स्टूडेंट्स नहीं जानेगा वो कहेगा दसवीं अनुसूची तो है, ये क्या क्वेश्चन है दसवीं अनुसूची कब समाप्त किया गया। तो दसवीं अनुसूची एक बार बनाया गया था, एक बार समाप्त किया गया, एक बार जुड़ा गया, एक बार समाप्त किया गया, हटाया गया, फिर दसवीं अनुसूची जुड़ा। तो ये इन्फॉर्मेशन एक मुझे लगा इसको थोड़ा डिस्कस कर देना चाहिए, और कभी पूछेगा तो आप बेनिफिट में रहिएगा, क्योंकि सामान्य रूप से ये क्वेश्चन अभी क्रिएट नहीं हो रहा है। नेक्स्ट आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 51 हमारा था, किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना? 1975 में पुण्य राज्य का दर्जा इसको मिला 1975 में, उसके पहले सह राज्य। चलिए ठीक है, 52वां क्वेश्चन है, आजादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता का संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित की गई? देखिए, नेपाल के साथ हमारा सांस्कृतिक संबंध बहुत प्राचीन काल से है। नेपाल हमारा सबसे निकटतम पड़ोसी है। निकटतम पड़ोसी का मतलब पड़ोसी है तो सब निकट का है, लेकिन निकटतम का मतलब सांस्कृतिक रूप से हम काफी जुड़े हुए हैं प्राचीन काल से। तो लेकिन स्वतंत्रता के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद दोनों के बीच पहली बार किस साल एक समझौता हुआ था अपने रिलेशन फिर से स्थापित करने के लिए ऑफिशियल? तो वो 1950 में ये पहली बार हस्ताक्षर हुआ था। और फिर हम लोग देखेंगे तो 1950 डी, 52 का आंसर हो जाएगा डी, 51 का डी, 52 का भी डी। 53 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, ये सेट आपका टेस्ट सीरीज 2 में ये 53वां क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन? तो ये आप जानते हो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का जब नाम आएगा, प्रथम महिला अध्यक्ष, तो एनी बेसेंट। क्योंकि मैं जानते हो इसलिए बोला क्योंकि सामान्य रूप से ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन हुई? एनी बेसेंट। और कब हुई थी? 1917 में। और जब क्वेश्चन पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो सरोजनी नायडू, वो कब बनी थी? 1925 में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महिला अध्यक्ष, प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, और इसमें प्रथम महिला अध्यक्ष ही पूछा गया है तो एनी बेसेंट आंसर होगा, जो बी में है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट वर्ष 1917 में वो बनी थी। और अगर क्वेश्चन रहेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तब सरोजनी नायडू होगा, जो 1925 में बनी थी। अब यहां पर एक चीज, एनी बेसेंट, एनी बेसेंट से भी बड़ा क्वेश्चन रहता है। ये तो ठीक है, एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनने का श्रेय एनी बेसेंट को जाता है 1917 में। एनी बेसेंट भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की संचालक थी। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में, और मैडम ब्लावर्स्की और कर्नल ऑलकॉट के द्वारा थियोसोफिकल सोसाइटी अपना एक ब्रांच भारत में भी अडयार में खोला, और यहाँ के इंचार्ज के रूप में एनी बेसेंट आई थियोसोफिकल सोसाइटी के मूवमेंट को यहाँ चलाने के लिए। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना, इस सोसाइटी का उद्देश्य था प्राचीन जो भी सभ्यता संस्कृति की विशेषताएं हैं, विश्व के जितनी सभ्यता संस्कृति की पुरानी विशेषताएं जो हैं, जो अच्छी बातें हैं, वो जो विलुप्त हो रही हैं उनको पुनर्स्थापित करना, यानी प्राचीन सभ्यता संस्कृति की अच्छाई को पुनः स्थापित करने के उद्देश्य से 1875 में एक संस्था खुली थी, स्थापित हुई थी थियोसोफिकल सोसाइटी न्यूयॉर्क में, और उसके फाउंडर ब्लावर्ट्सकी और अलकॉट। और उस संस्था के उस मूवमेंट, उस संस्था से संबंधित अभियानों को,
चलाने के लिए, यहाँ पर उसके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भारत में जो उस संस्था की संचालक थी वो एनी बेसेंट, ये आयरिस थी। और भारत में चूंकि भारत के सभ्यता संस्कृति की अच्छाई को स्थापित करने के उद्देश्य से काम कर रही थी, थियोसोफिकल सोसाइटी के कामों को यहाँ चला रही थी। फिर थियोसोफिकल सोसाइटी एक और विचारधारा लेकर रखे आता है, वो है होम रूल मूवमेंट। यानी थियोसोफिकल सोसाइटी का ये कहना था कि विश्व के किसी भी भाग में शासन वहाँ के मूल लोगों के हाथ में होना चाहिए, बाहरी के हाथ में नहीं। यानी थियोसोफिकल सोसाइटी का ये कहना था, एक तरह से थियोसोफिकल सोसाइटी ने कॉलोनिज्म का, उपनिवेशवाद का विरोध कर दिया, यानी उपनिवेशवाद को गलत ठहरा दिया। और ऐसा वो कर रहा है, हम ब्रिटेन के उपनिवेश थे तो एक तरह से हमारी बात को रखा और भी उपनिवेशों के हक में रखा, लेकिन एक तरह से भारत में हमारे हक की बात वो कर रहा है उसके मूवमेंट। तो इस होम रूल मूवमेंट से हम जुड़े, और चूंकि भारत में होम रूल मूवमेंट की बात आई, और लेकिन भारत में कभी पूछेगा कि होम रूल आंदोलन सबसे पहले कौन शुरू किया, तो इस कॉन्सेप्ट पर आधारित मूवमेंट सबसे पहले यहाँ शुरू करने वाले हमारे हो गए बाल गंगाधर तिलक, जो महाराष्ट्र में बॉम्बे क्षेत्र में शुरू किए, और शेष भारत में होम रूल मूवमेंट चलाने का श्रेय जाता है या जिसके द्वारा चलाया गया वो एनी बेसेंट। तो यहाँ मैं स्पष्ट कर दूँ, होम रूल मूवमेंट 1916, और भारत में होम रूल मूवमेंट किसके द्वारा आरंभ किया गया तब आप कहिएगा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और बाल गंगाधर तिलक के बाद शेष भारत में होम रूल मूवमेंट, यानी महाराष्ट्र के बाहर होम रूल मूवमेंट किसके निर्देश में चला या किसके द्वारा चला, तो वो एनी बेसेंट। तो होम रूल, लेकिन आएगा कि होम रूल मूवमेंट सबसे पहले भारत में किसने शुरू किया, तब बाल गंगाधर तिलक होगा। एक क्वेश्चन और, होम रूल मूवमेंट का कॉन्सेप्ट किसका था, ये अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो आप बोलिएगा थियोसोफिकल सोसाइटी का। होम रूल मूवमेंट का कॉन्सेप्ट किसका था, या होम रूल का कॉन्सेप्ट किसका था, तो थियोसोफिकल सोसाइटी का। ये भी क्वेश्चन पूछता है, थियोसोफिकल सोसाइटी का स्थापना कब हुई, थियोसोफिकल सोसाइटी का स्थापना कहाँ हुई, थियोसोफिकल सोसाइटी के फाउंडर कौन थे, भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी चलाने वाले कौन हुए या प्रमुख कौन, तो एनी बेसेंट। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कहाँ हुई, ये सारे फैक्ट्स जो हैं वो बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन से, इन सारे फैक्ट से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट किया हुआ। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, फिर से मैं एक बार देखूँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट। तो 16 में चूंकि होम रूल मूवमेंट चला, कांग्रेस काफ़ी होम रूल थियोसोफिकल सोसाइटी के एक्टिविटीज से प्रभावित रही, एनी बेसेंट चूंकि हमारी बात कर रही हैं, इसलिए हमारे नेशनल लेवल की जो संस्था थी इंडियन नेशनल कांग्रेस के वो नज़दीक आ गए, क्योंकि वो भी भारतीय की बात कर रही हैं, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो खैर भारतीयों के हक की बात के लिए है ही, तो ये संस्था भी नज़दीक आया और एनी बेसेंट कांग्रेस से जुड़ी। और कांग्रेस ने 1917 में एनी बेसेंट को अपना अध्यक्ष बनाया। 1917 के वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस ने एनी बेसेंट को अपना अध्यक्ष बनाया, तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष 1925 में बन पाई सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, क्योंकि ज़्यादा 54, निम्नांकित में कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है, इनमें से किससे विटामिन ए ज़्यादा मिलता है, गाजर से, बैंगन से, नींबू से, चावल से, तो गाजर से विटामिन ए ज़्यादा मिलेगा, गाजर से। विटामिन ए का केमिकल नेम हो जाता है रेटिनॉल। तो इनमें से कौन विटामिन ए का सबसे अच्छा सोर्स है इनमें से, तो गाजर। तो हम लोग याद करते हैं विटामिन्स के नाम, कौन कौन विटामिन है, उसका केमिकल नाम और उनका सोर्स, और उनकी कमी से होने वाले रोग, यानी उनकी कमी से क्या डिसऑर्डरेंस होता है या क्या रोग होता है। तो ये एक कॉलम बना लेना है, और आप बनाए भी होंगे कि यह बहुत से आपके बुक में नेम ऑफ विटामिन्स, केमिकल नेम ऑफ विटामिन्स, सोर्सेज ऑफ विटामिन्स एंड उसकी कमी से होने वाले रोग, उसकी कमी से होने वाले रोग। तो ये एक चार्ट आपके पास होना चाहिए, और वो कर लेते हैं तो फिर इस यहाँ से अगर कुछ क्वेश्चन पूछता है तो वो बन जाएगा। तो निम्नांकित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है ये पूछा जा रहा है, तो सोर्स हमने बताया ही, याद करना होता है, उसमें आप देखिएगा गाजर भी सोर्स है।
नींबू हो गया तो साइट्रिक एसिड यानी सी के लिए हो जाता है, सी विटामिन सी की प्राप्ति हो सकती है। चावल तो कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, इसलिए निम्न में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम सोर्स है, निम्न में से कौन सर्वोत्तम सोर्स है विटामिन ए का, तो गाजर। अब 55 नंबर क्वेश्चन यानी 54 का आंसर हम लोगों ने ए डिसाइड किया, 53 का आंसर बी हुआ, 54 का ए हुआ। अब 55 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, भारत में जंगली गधे निम्नांकित में कहाँ पाए जाते हैं, तो वो गुजरात के कच्छ के रण, कच्छ के रण में जंगली गधे ज़्यादा पाए जाते हैं और वहाँ एक अभयारण्य भी है जिसमें इनके लिए, इनके रक्षा के लिए, इनके प्रोटेक्शन के लिए काम उसमें होता है, तो कच्छ के रण, कच्छ के रण। तो भारत में जंगली गधे निम्नांकित में कहाँ पाए जाते हैं, तो बी कच्छ के रण यानी गुजरात। तो 55 का आंसर बी हो गया। अब 56 नंबर, जब बैरोमीटर का, बैरोमीटर वायुदाब के लिए, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह क्या क्या दर्शाएगा, किसका द्योतक होता है, मतलब क्या इससे बैरोमीटर में वायुदाब लेने के लिए जो आपके पास डिवाइस है बैरोमीटर, बैरोमीटर में पारा एकाएक गिर रहा है तो ये क्या दर्शा रहा है, गर्म मौसम का, शरद मौसम का, आंधी या झंझावात की, शुष्क मौसम का। आप एक चीज जनरल कॉन्सेप्ट ये कभी नहीं भूलिएगा कि पारा गिरा यानी वायु दाब कम, तो जब कहीं भी वायु दाब कम है तो उस बाहर में जहां ज्यादा वायु दाब है वहां से वायु इधर आएगा, तो विंड ब्लोज हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो अगर वायु दाब कहीं भी कम होगा तो उसके चारों तरफ कंपेरेटिव तुलनात्मक रूप से ज्यादा वायु दाब वाले क्षेत्र से वहां वायु का आना होगा, ठीक है, वो तेजी से आएगा तो पवन वहां पर आएगा, तो इस तेजी से आने से क्या होगा, आंधी तूफान झंझावात जो भी कहें। तो अगर बैरोमीटर में पारा एकाएक गिर रहा है यानी कहीं पर प्रेशर एकाएक कम हो रहा है यानी तो लो प्रेशर एकाएक हो रहा है, लो प्रेशर बेल्ट बन रहा अगर कहीं एकाएक, तो एकदम संभावना है कि तो फिर यहाँ पर आंधी तूफान आएगा, यानी जहाँ पर हाई प्रेशर है उधर से हवा इधर की ओर चलेगा, विंड ब्लोज हाई प्रेशर टू लो प्रेशर यानी हवा का बहाव उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, और एकाएक बैरोमीटर में पारा का गिरना वहाँ एकाएक निम्न दाब क्षेत्र उत्पन्न होना दर्शा रहा है, और जब निम्न दाब क्षेत्र बढ़ेगा बनेगा तो हवा वहाँ दूसरे जगह से तेजी से आएगा, तो इसलिए वहाँ आंधी और झंझावात की स्थिति होगी। तो 56 का आंसर सी। अब 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीव मंडल नहीं है, तो मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, काजीरंगा, सुंदरवन। तो देखिए नीलगिरी, नीलगिरी तमिलनाडु, नीलगिरी पहाड़ी जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जोड़ता है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को जोड़ने वाले को नीलगिरी, नीलगिरी पहाड़ी। और ये आप देखिएगा ये काफ़ी डाइवर्स लाइफ वाला क्षेत्र है, यहाँ जैव विविधता काफ़ी मिलेगा, एनिमल में भी और प्लांट में भी, वनस्पति और प्राणी की विविधता यहाँ ज़्यादा मिलती है, और किस प्रकार की, जो विषुवतीय क्षेत्र में जो मिलता है, और ऐसे भी हम 8 डिग्री से शुरू हो रहे हैं और विषुवत रेखा 0, तो वहाँ पर उष्णकटिबंध के नीचे में यानी विषुवत रेखा के आसपास जैव विविधता सबसे ज़्यादा, जैव विविधता यानी डिफरेंट टाइप के लाइफ्स, चाहे वो प्लांट का हो या एनिमल का हो, और ये सिमिलैरिटी, इस तरह की बात भारत में एकदम दक्षिणी भाग में ये नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्र में जैव विविधता ज़्यादा, खास करके उसको केरल के क्षेत्र में हम बोलते हैं, केरल के इस क्षेत्र में जैव विविधता ज़्यादा। तो यहाँ पर है निम्नांकित में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीव मंडल नहीं है, सिर्फ ये आंसर हमारा करना है, तो ये आप कर दीजिए मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी हमारा जो है वो बायो रिजर्व नहीं है, ये तो ये मन्नार की खाड़ी। लेकिन मैं अब बता रहा था नीलगिरी, नीलगिरी क्या है भाई, तो नीलगिरी पहाड़ी पूर्वी घाट पश्चिमी घाट को जोड़ता है और ये यहाँ पर जैव विविधता ज़्यादा मिलेगी, ये हो गया। काजीरंगा ये जो बायो रिजर्व है ये कहाँ पर, असम में। फिर है सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन ये भी बायो रिजर्व है, सुंदरबन जो है सुंदरबन, तो
तो बंगाल क्षेत्र में सुंदरवन है, सुंदरवन डेल्टा में ये जो वन है, मैंग्रोव फॉरेस्ट है, शायद हम लोग बात भी किए थे किसी क्वेश्चन में, तो वो भी बायो रिजर्व्ड है। लेकिन ये मन्नार की खाड़ी का क्षेत्र हमारा बायो रिजर्व नहीं है। तो 57 का आंसर हमारा ए होगा, 57 का आंसर ए होगा। अब 58 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन पोलियो का कारण है, यानी पोलियो किससे होता है, जीवाणु से होता है, वायरस से होता है, कृमि से होता है, बैक्टीरिया से होता है, तो पोलियो वायरस से होता है, पोलियो वायरस से होता है। अब यहाँ पर एक मेरा सजेशन, क्या ऐसे आप तैयारी करते हो तो ये करते ही होगे, आप एक बनाओ कि जीवाणु से होने वाले रोग, बैक्टीरियल डिजीज और वायरल डिजीज, कौन कौन रोग जीवाणु से होता है और कौन कौन रोग वायरस से होता है, ये एक लिस्ट हो जाएगा। इसके बाद के स्टेप में आ जाओ, रोग का नाम और संबंधित जीवाणु, रोग का नाम और संबंधित जीवाणु, या रोग का नाम संबंधित वायरस, और वायरल है तो वायरस, और तो ये भी जहाँ मिलता है वो आप करोगे। तो यहाँ पर है पोलियो, पोलियो, पोलियो कौन सा रोग है, पोलियो का कारण क्या है, पोलियो तो आप समझ रहे हैं, पोलियो तो पोलियो का कारण क्या है, मैंने वायरस से होता है, वायरल डिजीज है कि बैक्टीरियल डिजीज है, तो ये वायरल है, वायरस डिजीज के वायरस से होता है, वायरस से होता है, तो 58 का बी, 58 का आंसर बी होगा, वायरस से होता है। अब है 59 नंबर क्वेश्चन, ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर, ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर का घेरा किस महासागर में है, यानी किस महासागर में एक ऐसा क्षेत्र है जहां ज्वालामुखी वॉल्केनिक एक्टिविटी ज्यादा होता है और उसको रिंग ऑफ फायर बोलते हैं, रिंग ऑफ फायर या वॉल्केनिक रिंग ऑफ फायर, ये किस महासागर में, हिंद महासागर में कि अटलांटिक में कि प्रशांत महासागर में, तो प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर को पैसिफिक ओशियन भी कहते हैं, और देखते हैं प्रशांत महासागर के उस क्षेत्र में, यानी ऐसे क्षेत्र कहिएगा तो पश्चिमी क्षेत्र में, यानी जापान उपान के एरिया में बहुत ज़्यादा वॉल्केनो आता है। तो यहाँ पर ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर का घेरा किस महासागर से संबंधित है, तो पैसिफिक ओशियन, ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर किस महासागर से, किस ओशियन से, तो प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर को पैसिफिक ओशियन भी कहेंगे, पैसिफिक ओशियन भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए आप पॉलिटिकल मैप वर्ल्ड का खोलिए, देखिए प्रशांत महासागर कहाँ है, अटलांटिक कहाँ है, इंडियन ओशियन कहाँ है, ये भी देखना होता है, क्योंकि कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछता है कि इस देश का तट किस महासागर से लगता है, जो कोस्टल कंट्री है, तो ये थोड़ा सा आप जब तक मैप को नहीं देखिएगा थोड़ा दिक्कत होता है, वैसे फैक्ट्स टू फैक्ट्स रटनेस नहीं होगा, मैप देखना होगा। तो यहाँ पर है ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर, ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर कहाँ पर, तो प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशियन में। ए 59 नंबर क्वेश्चन, एलिसा जांच किस रोग की पहचान के लिए होता है, एलिसा जांच किस रोग की पहचान के लिए, तो एड्स के लिए, एलिसा जांच किस रोग की पहचान के लिए, एड्स के लिए। और 61 नंबर क्वेश्चन, यानी 60 का डी हुआ, 61 नंबर क्वेश्चन, सुधीर डार, एक पर्सनालिटी का नाम है सुधीर डार, जिनका हाल में निधन हो गया, निम्नांकित में किस क्षेत्र से थे, चित्रकारी से, कार्टून सृजन से, संगीत से, राजनीति से। तो सुधीर डार जिनका निधन हाल फिलहाल ही हुआ है, 2019 के नवंबर में सुधीर डार का निधन हो गया है, सुधीर डार का निधन 2019 के नवंबर माह में हुआ है, और सुधीर डार कार्टूनिस्ट थे, कार्टून बनाने वाले थे, तो कार्टून सृजन का काम करते थे, कार्टून आप समझ रहे हैं मैगजीन में, पेपर में, किसी चीज़ पर जो कमेंट के लिए कार्टून बनाया जाता है, तो कार्टून सृजन के क्षेत्र में थे, तो कार्टून सृजन के क्षेत्र में थे सुधीर डार। तो सुधीर डार का निधन, कार्टून क्रिएटर थे और इनका निधन 2019 के नवंबर में हुआ है, और सुधीर डार ये उत्तर भारत से ही थे, सुधीर डार, और इनका जन्म प्रयागराज यानी इलाहाबाद में हुआ था, सुधीर डार का जन्म इलाहाबाद में हुआ था और 2019 के नवंबर में उनकी मृत्यु हुई, ये कार्टून सृजन का कार्य करते थे। तो यहाँ क्वेश्चन है, सुधीर डार जिनका हाल में निधन हुआ वो किस क्षेत्र से थे, तो कार्टून सृजन से। अब 62 नंबर क्वेश्चन है, एक एब्रेविएशन दिया है SPG, SPG का विस्तारित रूप क्या है, तो SPG ये प्राइम मिनिस्टर
कि सिक्योरिटी के लिए जो काम करता है एसपीजी, ये फोर्स है, तो भारत में एक फोर्स है, सिक्योरिटी फोर्स है भारत सरकार का, तो इसका फुल फॉर्म क्या है एसपीजी का? स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप ये प्रधानमंत्री सुरक्षा के लिए रहता है, तो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी का फुल फॉर्म हुआ। और स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप आपके ये चार ऑप्शन में डी में है, तो 62 का आंसर डी, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप इज फुल फॉर्म ऑफ एसपीजी, और ये स्पेशल टाइप ऑफ ये सिक्योरिटी फोर्स है, ठीक है, और जिसके जो खास करके प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए होता है एसपीजी। और एसपीजी का गठन 1985 में हुआ था, 1985 में। ये भी कभी पूछ सकता है एसपीजी का गठन कब हुआ था, तो 1985 में एसपीजी का गठन हुआ था, क्योंकि प्रधानमंत्री सुरक्षा वहाँ से खतरा में दिख रहा था। 31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी का हाउस गार्डों ने ही हत्या कर दिया था। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या उनके रेसिडेंस में ही, उनके रेसिडेंस गार्डों ने किया था। और उसके बाद प्रधानमंत्री सुरक्षा पर एक चिन्ह लग गया भाई कि प्रधानमंत्री सुरक्षा, प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए स्पेशल एक फोर्स बनाया जाए। तो 1985 में प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था को देखने के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए एक स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट बना और एसपीजी उसका नाम रखा गया, उसका फुल फॉर्म हुआ स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, और इसका स्थापना 1985 में। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी हुआ। 63 नंबर क्वेश्चन है, भारत और रूस की सेना द्वारा हाल में एक सैन्य अभ्यास, ठीक है, ज्वाइंट मिलिट्री प्रैक्टिस, यानी थल सेना का भी, स्थल सेना का, नौसेना का, ऐसा होते रहता है अपने उन देशों के साथ जिसके साथ आपका अच्छा संबंध है, तो ज्वाइंट मिलिट्री प्रैक्टिस होता है और उसका अलग अलग नाम दिया जाता है। कभी किसी के साथ ज्वाइंट मिलिट्री प्रैक्टिस हो रहा है, कुछ आप नाम दिए, किसी साल और दिए, और ये रिसेंट में ऐसा अगर कोई भी सैन्य अभ्यास होता है डिफेंस के, रक्षा के किसी अंग का, किसी दूसरे देश के सेना के साथ अगर कोई ऐसा अभ्यास होता है, तो उसके लिए कोई स्पेशल नाम दिया जाता है, और वो उस समय आने वाले एग्जाम्स में, आगामी एग्जाम्स में उसका नाम और किन देशों के बीच हुआ, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो हाल में भारत और रूस के सेना द्वारा किया गया हालिया सैन्य अभ्यास का क्या नाम दिया गया था, तो इंद्र 2019 भारत और रूस के सेना के बीच सैन्य अभ्यास को, भारत और रूस के सेना के सम्मिलित सैन्य अभ्यास का नाम था, सैन्य अभ्यास का नाम था इंद्र 2019। तो 63 का आंसर हो गया ए, पूरी तरह से करंट का क्वेश्चन है। अब 64 नंबर क्वेश्चन, मानव ठक्कर ने किस खेल में एक अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता? यहां पर क्वेश्चन ये है कि मानव ठक्कर किस खेल में, तो पहले आप जानिए कि मानव ठक्कर किस खेल के हैं, मानव ठक्कर एक खिलाड़ी है, किस खेल के हैं? तो मानव ठक्कर टेबल टेनिस के हैं, मानव ठक्कर टेबल टेनिस के हैं, और ये गुजरात के, भारत के गुजरात के एक खिलाड़ी मानव ठक्कर टेबल टेनिस से हैं। इसलिए ऑप्शन को ठीक से पढ़ना है, ए में दिया है बैडमिंटन, बी में दिया है टेनिस, सी में दिया है टेबल टेनिस, डी में दिया है गोल्फ, और यह टेनिस नहीं, टेबल टेनिस से हैं, तो टेबल टेनिस हो गया, गुजरात के हैं मानव ठक्कर, तो 64 का आंसर हो जाएगा सी। अब 65 नंबर क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2019-20 की दूसरी तिमाही अर्थात जुलाई से सितंबर 2019 में देश की आर्थिक विकास दर कितनी रही? क्वेश्चन सीधा है कि 2019 जुलाई से 2019 सितंबर तक हमारे जीडीपी का रेट क्या रहा, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट
क्या रहा, इस तिमाही जीडीपी हमारा क्या रहा। तो ये जो आंकड़ा आया था 4.5 रहा है। तो जुलाई 2019 से सितंबर 2019 में हमारा रेट ऑफ डेवलपमेंट जो रहा है इकोनॉमी का वो 4.5% रहा है, जो पिछले 6 वर्ष में सबसे कम रहा है। 4.5 पिछले 6 वर्ष में सबसे कम रहा है, और ये थोड़ा चिंताजनक बात। तो जुलाई 19 से सितंबर 19 के बीच जो विकास दर रहा भारत का वो 4.5 रहा है, और ये ऑप्शन दिया हुआ था हमारा तो 4.5 सी में है, तो 65 का आंसर सी। तो इस सेट यानी सेट टू का, सेट सेकंड का जो जीके के क्वेश्चंस थे, हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 36 से। तो सेट टू का जीके के जो क्वेश्चन नंबर 36 से 65 तक थे, उसको हम लोगों ने डिस्कस किया। फिर अगले सेट के साथ मिलते हैं। थैंक यू।